एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर, आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आतिशी ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल का आभार जताया, बोली दिल्ली वाले केजरीवाल को फिर से देखना चाहते हैं सीएम। कुछ ही देर के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय बोले आतिशी को सर्वसम्मति से चुना गया है सीएम। कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं आतिशी, दिल्ली सरकार में आतिशी के पास 14 मंत्रालयों का जिम्मा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा आज दिल्ली के लिए बहुत दुखद दिन, आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ी थी लड़ाई। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल की नैतिकता पर उठाए सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को बनाया सीएम, आतिशी को भी देना होगा अपने विभाग का जवाब। आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दी बधाई, कहा आम आदमी पार्टी का अपना हित है, ये लोग जनता हित में नहीं है। आतिशी को दिल्ली का मान मिलने पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा चोर डकैत का चेहरा बदल जाने से चोरी की घटनाओं में कमी नहीं आती। जन्मदिन के मौके पर ओडिशा पहुंचे पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बोले बीते 100 दिनों में ओडिशा में बनी है 11 लाख लखपति दीदी, देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों का विकास हो रहा है। भुवनेश्वर से गणेश पूजा पर बोले पीएम मोदी, कहा सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से हो रही है परेशानी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में तोड़ी गई गणेश प्रतिमा। ओडिशा दौरे के दौरान भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से किया संवाद, इस दौरान ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से सेवा पखवाड़ा किया शुभारंभ, पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की काशी विश्वनाथ की पूजा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भगवान को बड़े लड्डू का लगाया भोग, अपने हाथों से लोगों को बांटा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर पटना में बीजेपी ने लगाया रक्तदान शिविर, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा पाठ किया, भस्म आरती के दौरान की गई पीएम की लंबी उम्र की दुआ। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर में दरगाह में चढ़ाई गई चादर, पीएम की लंबी उम्र की मांगी गई दुआ, दरगाह में 4,800 किलो लंगर का भी आयोजन हुआ। मोदी सरकार के थर्ड टर्म के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया गया है। अमित शाह बोले 100 दिन में किसान और गरीबों के हित में किया गया काम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 दिन में 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों की ओर रवाना, पहले चरण में जम्मू की टोडा किश्तवाड़ और रामबन की 8 सीटों पर होना है चुनाव। झारखंड में 20 सितंबर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, गृह मंत्री अमित शाह दिखा सकते हैं यात्रा को हरी झंडी, सभी 81 विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिशा निर्देश, 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संतोषजनक। कोलकाता में ईडी का एक्शन जारी, आरजीकर कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोलकाता के कई हिस्सों में ईडी ने की छापेमारी, टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय के नर्सिंग होम पर भी रेड। डॉक्टरों के आगे झुकी ममता सरकार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को हटाया गया, 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर भी गिरी गाज।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण विवाद के बाद अब उठी मस्जिद की खुदाई की मांग। लोगों ने पुरातत्व विभाग को सौंपा मांग पत्र, कहा 7 फीट खुदाई में ही निकल जाएंगे मंदिर के अवशेष। विश्वकर्मा पूजा आज, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अपने आवास पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई मेल में हुई पत्थरबाजी, एसी कोच क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी आरपीएफ। यूपी के गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश फेल, ट्रैक पर रखी मिली लकड़ी, रेलवे ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार के गया में मुहाने नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, पानी के तेज बहाव से बतसपुर से कई गांव को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग बहा। प्रयागराज और आसपास के लोगों को राहत, गंगा और यमुना के जलस्तर में गिरावट, शाम से तेजी से जलस्तर घटने का अनुमान। बाढ़ राहत केंद्रों में अभी तकरीबन 2000 लोगों ने शरण ली है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर घाघरा और शारदा नदी, बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी में जलमग्न हुए दर्जनों गांव।